जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का हार हुआ तय, सिर्फ 162 रनों पर सिमटी पाकिस्तान की टीम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यश और आप देख रहे हैं न्यूज ब्रेकफास्ट चैनल। दोस्तों, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 43 ओवर एक बॉल में 162 रन बनाकर पूरी टीम सिमट गई। आपको बता दूं कि पाकिस्तान टीम से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बाबर आजम, जो कि 62 गेंदों में 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाकी के किसी खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। बात करें टीम इंडिया की, तो इंडिया टीम के सारे बॉलरों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। इंडिया टीम से बात करें भुवनेश्वर कुमार की, तो इन्होंने 7 ओवरों में 15 रन देकर 3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह को मिली 2 विकेट, वहीं कुलदीप यादव को 1 विकेट। वहीं पार्ट टाइम बॉलर केदार जाधव ने 3 विकेट चटकाए। वहीं कप्तानी की बात की जाए, तो रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी रही। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन पाकिस्तान का हार यहां से लगभग तय लग रहा है। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत कितने ओवरों में इस मैच को जीत सकती है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।